आपके नाम क्या क्या है? नहीं तो बस उनके नाम लिखो और उन्हें नोटिस भेजो कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। टीडीपी से आगे आ जाओ, सबकी जिम्मेदारी है ना। एमसीडी वाले करते कुछ नहीं करते सर, लेफ्ट एमसीडी वाले इकट्ठा करने के। तो जब टैक्स ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं तो काम तो करेंगे, कुछ नहीं जीरो करें हमारे इंडर में। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करेगा, आप वो कुछ नहीं करते। वैसे तो असली में फैक्ट्री वालों का कि वो कूड़ा ना फेंके, वहीं से इन्हें उठवा दें तो यार आग लगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। तो आप लोगों का आज तक सर इशू यही था कि वो परमिशन ना होने के कारण ना तो इकट्ठा होता रहता। नहीं सर, हमने ना होल्डिंग वगैरह भी बनवा दिए हैं और हम अपने जो पर्सनल ग्रुप चल रहे हैं जिसके अंदर दो चार हजार वायलेशन करेगा उस कोई भी हो सर, चाहे फैक्ट्री ओनर हो, अगर 400 लोग गलत हैं और जिन लोगों ने हाथ मार डाला है या मना करने के बाद 40 लोगों के चक्कर में पूरे सफर में। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन बोला जी ने साफ सफाई में कहा था कि अगर पहली बार मिला तो पूरा एरिया बंद। देखो पॉल्यूशन के मामले में ना कोई गुंजाइश नहीं, वही चीज साफ भी कर रहे हैं सर। अल्टीमेटली फिर यही है कि पूरा एरिया अगर बंद हो गया तो क्या करोगे? बिल्कुल सही, चाहे कोई भी करे। बिल्कुल एग्रीड सर। तो आप अपने अपने अंदर ही रख के इन्हें उठवाओ वहां से और जो लोग बाहर डाल रहे हैं उन पर एक्शन लो। थी ना तो जब तो बैठा था ऐसे ही कच्चा था, कितना पूरा का था ना तो उसके लिए। अब जो बारिश हुई अब के तो अब के बैठ लगे हैं ना। यही तो बताना है आपको कि मच्छर हैं, दिक्कत है, कूड़ा कचरा है, बीमारी फैल रही है। अब लोग मानते नहीं, कितना मना करते हैं। ऐसा ना यहाँ गाड़ी तो अच्छा बैठने वाला, गाड़ियाँ आए तो गाड़ियों में फेंकते हैं। जितना अपने से होता उतना करते थे तो वहाँ से लेते सब धोते हैं। ज्यादा तो बताओ क्या परेशानी ज्यादा।